और प्रचार के लिए उड़ीसा पहुंचे विष्णुदेव साय, क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनवाते हैं आपको। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, और आप सब लोगों ने जो गजमाला के द्वारा हमारा स्वागत किया है उसके लिए भी आप सब लोगों को धन्यवाद, आप लोगों का आभार। छत्तीसगढ़ में 7 मई को चुनाव संपन्न हो चुका है और हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, और 7 मई के बाद सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, संगठन के लोग उड़ीसा और झारखंड में चुनाव प्रचार के सहयोग के लिए लगे हैं। और जैसे हमारे शिवरतन शर्मा जी बता रहे थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में सरकार में बैठाई, और ये लोकसभा चुनाव भी बड़ा अच्छा हम लोगों का संपन्न हुआ है। तो मैं आप आज ये बताने आया हूं आप लोगों से कि ये जो लोकसभा का चुनाव है अभी का, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव। आप सभी लोग सहमत हैं नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार बनाना है ना? देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है भारत देश का कि एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि गरीब का बेटा ही गरीब का सुख दुख सबको जानता है, अमीर का बेटा बम्बई